फ्रेंड्स, एयर इंडिया जो कि इंडिगो के बाद अभी भी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है और फुल सर्विस के ऊपर काम करती है, वो अपने यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए खाने का मेन्यू चेंज करने जा रही है। इस नए मेन्यू में यात्रियों के सेहत को ध्यान में रखते हुए लो फैट खाने को ऐड किया गया है, जिसमें कि बीट रूट की टिक्की, पालक मटर भुर्जी, टिंडा मसाला और दाल मलका मसूर को ऐड किया गया है। और ये रिवाइज मेन्यू यात्रियों को दिल्ली और मुंबई के रूट पर 15 सितंबर यानी आज से दिया जाएगा। इस रिवाइज मेन्यू के ऊपर एयर इंडिया का कहना है कि ये रिवाइज मेन्यू यात्रियों को उनकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इस नए खाने का मेन्यू एयरलाइन को उनके पुराने मेन्यू से कम कॉस्ट में पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, अब देखना यह है कि क्या इस रिवाइज खाने के मेन्यू से एयरलाइन को जो कॉस्ट में सेविंग होगी उसका फायदा यात्रियों को दिया जाएगा या एयरलाइन उस प्रॉफिट को स्वयं अपने पास रख लेगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया का 2018-19 में 7600 करोड़ का लॉस हुआ था, जो कि अब एयर इंडिया अब नए नए चेंजेस करके उस लॉस को इस नए फाइनेंशियल ईयर में रिकवर करना चाहती है। एयर इंडिया पर पहले से ही 58300 करोड़ का लोन बकाया है, इसको लेकर गवर्नमेंट इसे बेचने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, आप प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।